भारत को तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे मुकाबले में कंगारुओं ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हराया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत को अब अगले मैच के रिजल्ट तक इंतजार करना पड़ेगा। इंदौर टेस्ट गंवाने के बाद आखिरी टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बदलाव तय है। ऐसे में भारत के कम से कम 3 खिलाड़ियों पर गाज गिरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अंतिम मुकाबले में श्रीकर भरत, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज का भारतीय प्लेइंग 11 से बाहर होना तय है। श्रीकर भरत ने नागपुर टेस्ट में अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन वह पिछले 3 टेस्ट में अपने आप को साबित नहीं कर पाए। वहीं पिछले 5 पारियों में सिर्फ 57 रन बना पाए, इसलिए उन्हें चौथे मैच में मौका मिलना मुश्किल है। इंदौर टेस्ट में मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया, लेकिन वो बैटिंग और बॉलिंग में खाता तक नहीं खोल पाए। किसी भी टेस्ट मैच में यह उनका निराशाजनक प्रदर्शन है, इसलिए उन्हें अंतिम टेस्ट मैच में मौका मिलना मुश्किल है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी इंदौर टेस्ट में निराश किया है, उनका भी चौथा मुकाबले से बाहर होना तय है। भारत के संभावित 3 खिलाड़ियों शिखर भरत, मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर को बाहर किया जा सकता है, ये तो कन्फर्म लग रहा है। उनकी जगह ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को मौका मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन फॉर्म है, जबकि मोहम्मद शमी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉलिंग करने का काफी अनुभव है। ऐसे में इन तीनों खिलाड़ियों को अंतिम टेस्ट में चांस मिल सकता है।